एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क सर्कल्स के ऊपर। जी यस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरे पास एक कमेंट बॉक्स में DM आया था इंस्टा पे कि आप मुझे प्लीज़ डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ रेमेडीज़ बताइए। तो मैंने सोचा चलिए आज इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो। तो मैंने जो है इसके ऊपर डार्क सर्कल्स होते क्या है, किस वजह से होते और इसके सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि डार्क सर्कल होते क्या है। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, उनको सबको पता है कि डार्क सर्कल्स होते क्या है। फिर भी मैं एक क्विकली सा बहुत ही छोटे से डार्क सर्कल होते हैं जो हमारे आइज़ के नीचे यानी कि इस तरफ से जो भी कलर डिसकलर हो जाता है यानी कि थोड़ा सा डार्क हो जाता है हमारे स्किन टोन से, उसे बोलते हैं हम डार्क सर्कल। ये हमारे आइस के नीचे यानी कि इस तरफ पे जो होते हैं, यहाँ पे आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि इस तरफ पे या उन किसी किसी की तो पूरी आइस पे ही ब्लैकनेस रहती है, तो वो डार्क सर्कल ही होते हैं। और ये किस वजह से होते हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो चलिए, डार्क सर्कल जो है बहुत ही कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इसको फेस कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये कभी जाएंगे नहीं या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, इसके बहुत सारा सॉल्यूशन है और ये होम रेमेडी से भी बहुत ईजिली जो है रिमूव हो जाते हैं। आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, आप कुछ होम रेमेडीज़ भी यूज़ करके जो है इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी हेल्थ और डाइट का भी ध्यान रख के आप इसको जो है नेचुरली क्योर कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ आगे कि किस वजह कितनी चीज़ों से जो है आप इसको जो है हील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डार्क सर्कल होते कैसे हैं, मतलब हमें किस वजह से जो है डार्क सर्कल होते हैं। डार्क सर्कल बहुत ही कॉमन चीज़ है, जैसे कि हम बहुत देर तक कंप्यूटर पर बैठना या फ़ोन के आगे रहना, इस वजह से जो भी है कि हमारी आइज पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उस वजह से जो है डार्क सर्कल हो जाते हैं। या फिर हम बहुत मेंटली या फिज़िकली भी डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से भी यानी कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड भी जो है हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नींद ना आना, क्योंकि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हमें नींद बहुत जल्दी नहीं आती है, तो इस वजह से भी अगर हम रात को बहुत देर तक सोते हैं तो हमारी आइज़ के नीचे अंडर आई जो कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है और जो कि डार्क सर्कल्स जिससे क्रिएट हो जाते हैं। साथ के साथ अगर हम अपना हेल्थ ढंग से ध्यान अपनी डाइट ढंग से नहीं ले रहे हैं, उस वजह से भी आपको जो है डार्क सर्कल्स को की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ के साथ जिसकी ड्राई स्किन होती है उनको भी, जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है आइस की तरफ, उनको भी जो है डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ नॉर्मल से तो चलिए मैं आपको कुछ इसके कुछ होम रेमेडीज़ बता देती हूँ जिनको आप यूज़ करके जो है अपने नेचुरल तरीके से जो अपने डार्क सर्कल को क्योर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके किचन में बहुत ही इजीली और फ्रिज में बहुत ही इजीली आपको पाई जाएगी, मींस आपको मिल जाएगी, आपको कोई भी ताम झाम या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना पड़ेगा इस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए। नहीं, आपको बहुत ही ईजिली आपके किचन में या फिर आपके फ्रिज में ये इंग्रेडिएंट सारे मिल जाएंगे, उसी को यूज़ करके आपको अपने डार्क सर्कल। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कुकुम्बर। जी यस, कुकुम्बर गर्मियों का टाइम है, इस टाइम में आपको कुकुम्बर बहुत ज़्यादा बहुत ही ईजिली तरीके से आपके अपने किचन में मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो आप ले आइए मार्केट से, क्योंकि वो बहुत हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है और अगर आप उसे डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देता है। तो कुकुम्बर अगर आपके पास है तो कुकुम्बर को आपको क्या करना है, 2 स्लाइस में कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए अपनी आँखों पर रख के जो है लेट जाना है, जिससे कि आपकी आँखों पर ठंडक पहुँचेगी। और कुकुम्बर जो है हमारी स्किन को लाइटनिंग करता है हमारी स्किन को। लेकिन इसी का ही मैं एक बता रही हूँ, कुकुम्बर को आपको क्या करना है, 2 चम्मच नींबू का जूस लेना है और 2 चम्मच ही आपको कुकुम्बर का जूस लेना है। दोनों को इक्वल अमाउंट में लेके आपको मिक्स कर लेना है और हफ्ते में 1 से 2 बार अपने अंडर आइस पे लेके मसाज कीजिए, अच्छे से आइस के अंदर ना जाए ये ध्यान रखें। वैसे नींबू आइस के अंदर चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, लेकिन नींबू आइस के लिए अच्छा भी होता है, तो इसीलिए लेकिन कोशिश करें अगर उसे आप बचा सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। दोनों जूस को अच्छे से मिला के अपने फेस पे 15 मिनट के लिए लगा, अपने अंडर आई एरिया पे अच्छे से लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद जो है आप उसे वॉश कर सकते हैं। ये आप यूज़ करें 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो आप रिज़ल्ट देखेंगे, आपको बहुत जल्दी जो है इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टमाटो यानी कि टमाटर। टमाटर जो है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि हमारी स्किन इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है टमाटर के अंदर। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर पाई जाती है। तो
एक चम्मच आप टमाटर का जूस ले लीजिए, उसमें हाफ टेबल स्पून जो है लेमन जूस मिला के अपने अंडर आई एरिया पे और अच्छे से मसाज कीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए और फिर उसे वॉश कर लीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे 1-1.5 हफ्ता अगेन इसे यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, बर्फ़ लेनी है और अपने आईज़ के आसपास जो है उसे अच्छे से रब करना है, मसाज करना है अच्छे से, क्योंकि जितनी भी कोल्ड चीज़ें आप लगाते हैं अपने आईज़ के पास, उससे पफिनेस कम होती है, ब्लड जो होता है सर्कुलेट जो होता है वो अच्छे से जो पफिनेस को है जो है कम कर देता है, और साथ के साथ हमारे डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। तो आप आईज़ भी रब कर सकते हैं, नहीं तो ग्रीन टी बैग जो होते हैं उसको भी आप फ्रीजर में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, और उसे जब वो ठंडा हो जाए टी बैग्स, तो उनको आप टी बैग्स को लेके अपनी आईज़ पे रख के 5 से 10 मिनट तक के लिए आप आराम कर सकते हैं, उससे भी जो है आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी से रिमूव होंगे। टी बैग आप यूज़ करा हुआ भी आप अगर यूज़ करते हैं, रीयूज़ भी करते हैं तो भी अच्छा है, और फ्रेश ले लेते हैं तो भी। आप भी इस तरीके से कीजिए कि उसको एक बार ग्रीन टी यूज़ पीजिए और उसके बाद जो है उसको फ्रिज में रख दीजिए, 5 से 10 मिनट बाद जब फ्रीजर से ठंडा हो जाएगा तब अपनी आइस पे लगा के आप 5 से 10 मिनट रिलैक्स कीजिए, तो आपके डार्क सर्कल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपको क्या लेना है, कॉटन का रुमाल लेना है या आपके पास टॉवल है छोटा सा, उसको आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब वो बहुत अच्छे से कोल्ड हो जाए मीन्स बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, उसे अपनी आइस पे कवर करके जो है इस तरीके से लेट जाना है, और 5 से 10 मिनट के लिए भी इसको आप छोड़ दें, इस तरीके से आपके जो है डार्क सर्कल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ और लास्ट में हैक जो मैं आपको बता रही हूँ, आलमंड ऑयल जो है नेचुरल इन्ग्रीडियंट है, ये सबको पता है, और ये हमारी आइस के लिए हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल लेना है आपको, ले सकते हैं किसी भी कंटेनर में आप आलमंड ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल मिला कर रख लीजिए, और रात में बेड पे जाने से पहले उसे 1-2 ड्रॉप लेकर अपने आइज मसाज कीजिए, तो आप देखेंगे आप उसे जब तक कीजिए जब तक आपके डार्क सर्कल्स नहीं चले जाते हैं। वैसे बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, फिर भी 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तो उसे अच्छे से मसाज करके आप उसे सोजिए, और मॉर्निंग में जैसे अपना फेस वॉश करते हैं नॉर्मली उस तरीके से आप फेस वॉश कर लीजिए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, अगेन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनमें से कुछ 1-2 हैक्स को यूज़ भी करते होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ इन हैक्स को जो है यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।